जी की आज्ञा से आया हूं मैं तुम्हारे पास। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत दर्द हो रहा। राम जी मेरी सेवा को सफलता दे। हट जाइए, हट जाइए बेटे। क्या हुआ तुम्हें? इसे घर तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। कुलकर्णी सरकार भी नहीं है, किसी वैद्य को बुलाइए। कुछ नहीं होगा बेटा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ है सुधा को? अफसोस की बात है वासुदेव, तुम्हारे बेटी के पैर को अंदरूनी बहुत गहरी चोट आई है। अफसोस की बात, वो तो ठीक हो जाएगी ना? फिर अफसोस? वसुदेव, सुधा का एक पैर अब हमेशा के लिए अनुपयोगी हो गया है। अब जिंदगी भर उसे बैसाखी के सहारे चलना होगा। क्या देखा? मैंने कहा था उसे नाचने मत देना, अब उम्र भर के लिए अपाहिज हो गई है। दादा धीरे बोलिए, अगर सुधा ने सुन लिया तो? अरे सुन लेगी तो सुन ले, एक जिद के कारण उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली वासुदेव। अब नाचना तो दूर, बैसाखी के बगैर चल भी नहीं पाएगी वो। कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है बेटी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। कल आकर दवाई ले जाइएगा। बाबा ये क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ करिए, मैं अपना पैर नहीं खो सकती। कुछ करिए ना, आप कुछ करिए, मैं नहीं खो सकती अपना पैर। बेटी तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम किसी और वैद्य को दिखा देंगे। अरे क्यों झूठा दिलासा दे रहा है तो इसे वासुदेव? कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैंने कहा था ये नृत्य बर्बादी का कारण बनेगा इसके लिए, लेकिन तूने कभी मेरी बात को नहीं माना। अब तो हो गई तसल्ली, मिल गया चैन, अब हो चुकी इसकी शादी। दादा ऐसे मत कहिए, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। भाऊजी आप नहीं मानना चाहते तो मत मानिए, लेकिन सच तो यही है कि इसके नाचने गाने के चक्कर में अब सारी उम्र हमारे ऊपर ये बोझ बनकर रहेगी। मैंने कभी भी बाबा को खुश होने का कारण नहीं दिया है, और अब तो बाबा को मेरे कारण और भी कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। भिक्षाम देही शाम होने आई है साई,
इस वक्त भिक्षा मांगने आए हैं? नहीं, आज मुझे सुधा के हाथ से भिक्षा चाहिए। सुधा से? लेकिन साई वो तो जानता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा सहारा हो तो मुमकिन है। नहीं बेटी, आज मुझे भिक्षा में अनाज नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे भिक्षा के रूप में एक प्यारा सा नृत्य करके दिखाओ। पापी, मेरे काका के जैसे मुझे। ये जानते हुए भी कि सुधा का एक पैर, फिर आपने ऐसी भिक्षा क्यों मांगी साई? प्रसुदेव, ये दिमाग जो है ना, सब कुछ यहां है। अगर ये सोच ले तो पत्थर को भी ईश्वर का रूप दे सकता है। यही जन्मस्थली है, संभव की भी और असंभव की भी। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसे जन्म देना चाहते हैं। सुधा, हम उसी भूमि पर रहते हैं जिस पर भगवान कृष्ण ने एक उंगली से पूरा पर्वत उठा लिया था। लेकिन कृष्ण तो भगवान थे ना साई। और हम सब उसी भगवान के अंश है बेटी। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमारे अंदर के ईश्वर का वो अंश नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाएगा? मैं आपको बहुत मानती हूँ साई, लेकिन इस वक्त मैं ही जानती हूँ कि मुझ पर क्या बीत रही है। मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, तो नृत्य कैसे कर पाऊंगी? वसुदेव, आज तुम्हारे द्वार से एक याचक खाली हाथ जा रहा है। तुम्हारी बेटी ने भले ही हालात से हार मान ली हो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। मुझे सुधा से जो भिक्षा चाहिए, उसे पाने के लिए मैं रोज तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाऊंगा। देखते हैं ये कब तक मुझे मेरी भिक्षा के बगैर वापस भेजती है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.